नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल कुमार फाइनेंस पर। दोस्तों, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, कोरोना के केसेस भी वैसे ही बेतहाशा बढ़ रहा है। इसलिए हम सभी से मैं कहना चाहूंगा, कोरोना रोकथाम के लिए हम सभी को इनिशिएटिव लेना है और उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। जो भी आपके साथी मित्र परिवार वाले हैं, उनको भी इसके लिए प्रेरित करें ताकि कोरोना के बढ़ते रफ्तार को कंट्रोल करके कम किया जा सके। अब बात करते हैं हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्राफाइट्स लिमिटेड यानी एचईजी लिमिटेड के बारे में। पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में इसके शेयर प्राइस में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है और इन दोनों ट्रेडिंग सेशन में ये शेयर 18 से 20% अपवर्ड मूवमेंट दिखाया है। क्या वास्तव में कुछ ऐसा हो रहा है इस कंपनी में जिसकी वजह से इसके शेयर प्राइस में इतना ज्यादा तेजी देखने को मिल रहा है? क्या आने वाले शॉर्ट टाइम में ये शेयर अपने लाइफ टाइम हाई प्राइस 5000 को क्रॉस कर जाएगा? ये कंपनी पिछले कुछ सालों से अपने बिजनेस में कैसा परफॉर्मेंस दी है, इसका फ्यूचर क्या रहने वाला है और क्या करेंट लेवल पर इस शेयर को बाय किया जा सकता है, ये पूरा डिटेल इस वीडियो में हम जाने। उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर है या अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आप कुमार फाइनेंस फैमिली का परमानेंट हिस्सा बने रहें। कई बार ऐसा देखने को मिलता है, अगर किसी कंपनी में कुछ बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, उसके शेयर प्राइस में उछाल देखा जाता है। जैसे उसमें कोई ब्लॉक डील हो रहा हो, FIIs, DIIs या HNIs टाइप के कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं, अगर किसी कंपनी का शेयर बल्क में खरीद रहे होते हैं, उसकी वजह से भी उसके शेयर प्राइस में उछाल देखने को मिलता है। अगर कोई कंपनी अपना क्वार्टर रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड पोस्ट करने वाली होती है, यानी उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट या बिजनेस बढ़ने की संभावना रहती है, फिर इस एक्सपेक्टेशन में भी लोग उस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं और उसके शेयर प्राइस में जबरदस्त उछाल देखने को मिलता है। इसके अलावा भी कुछ लीगल और इलीगल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से किसी शेयर प्राइस में ज्यादा उछाल देखने को मिलता है। क्या HEG में कोई बल्क डील या ब्लॉक डील हो रहा है, उसके लिए इसका हम प्राइस एंड वॉल्यूम एनालिसिस देख लेते हैं। प्राइस परफॉर्मेंस देखें तो ये शेयर पिछले एक सप्ताह में 47% का रिटर्न दे चुका है। वन मंथ में इस शेयर ने 41.50% का पॉजिटिव मूवमेंट दिया है, 3 महीना में 122% के आसपास, जबकि एक साल का बात किया जाए तो ये शेयर ने जबरदस्त रिटर्न देते हुए अपने इन्वेस्टर्स को 323.23% का रिटर्न दिया है। वॉल्यूम एनालिसिस के माध्यम से समझने की अगर कोशिश किया जाए क्या कोई बल्क डील या ब्लॉक डील देखने को मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक दिन का डेटा हो या उसके पहले एक दिन का डेटा हो, यहाँ पर आपको क्वांटिटी ज्यादा ट्रेड होती हुई दिख रही है। एक दिन में यहाँ पर 45 लाख शेयर ट्रेड तो होता है, लेकिन डिलीवरी का परसेंटेज मात्र 16% के आसपास है। अगर एक दिन पहले का भी डेटा आप देखें तो यहाँ पर 34 लाख शेयर ट्रेड होता है, डिलीवरी का परसेंटेज एक बार फिर से पुअर देखने को मिल रहा है और ये करीब 20% के आसपास है। वन वीक ऑन एवरेज देखें तो यहाँ पर 24 लाख शेयर ट्रेड होता है, डिलीवरी का परसेंटेज एक बार फिर से लो 20% है, जबकि वन मंथ के हिसाब से 10 लाख मात्र ऑन एवरेज शेयर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है और डिलीवरी 21% के आसपास निकल कर आ रहा है। ओवरऑल पिछले वन मंथ का डेटा देखा जाए तो ट्रेडिंग क्वांटिटी तो बढ़ रहा है, लेकिन डिलीवरी का परसेंटेज हो या डिलीवरी का क्वांटिटी हो, डाउन होते जा रहा है। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या निकलता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके पहले इसके ब्लॉक या बल्क डील पर एक नजर डाल लेते हैं। HEG का डील्स पार्ट पे नजर डाले तो यहाँ पर ब्लॉक डील में तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। अगर आप बल्क डील पे भी देखें तो यहाँ पर भी आपको बहुत पुराना डेटा ही दिखेगा, यानी मार्च हो या अप्रैल हो, यहाँ पर कोई बड़ा क्वांटिटी या बड़ा डील होता हुआ नहीं दिख रहा है। HEG का फंडामेंटल देखने के लिए अब हम इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लेते हैं पिछले कुछ सालों का। इसका एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो डेटा यहां पर अवेलेबल है मार्च 2010 से लेकर मार्च 2020 तक। 1115 करोड़ से ये बढ़ के 2145 करोड़ हुआ है, यानी इस कंपनी का बिजनेस पिछले 10 सालों में डबल हुआ है। OPM के परसेंटेज में बहुत ज्यादा आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, स्टार्टिंग में ये 31%, 20%, 17 या 18 के रेंज में चल रहा है, जो अचानक से 2018 में 63% हो जाता है, 2019 में 71% हो जाता है और उसके बाद वाले एनुअल रिपोर्ट में ये निगेटिव देखने को मिल रहा है। पिछले 11 सालों में इस कंपनी का बिजनेस ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिख रहा है। नेट प्रॉफिट भी 185 करोड़ से बढ़ के 3026 करोड़ 2019 में हो जाता है, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। बीच के पीरियड में जरूर इस कंपनी ने थोड़ा सा एवरेज से कम या निगेटिव परफॉर्मेंस दिया है और मार्च 2020 के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से भी ये कंपनी कोई खास नेट प्रॉफिट बुक नहीं कर रही है, मात्र 68 करोड़ देखने को मिल रहा है।
ओवरऑल इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखा जाए तो यहाँ पर जबरदस्त आपको फ्लक्चुएशन होता हुआ दिख रहा है। अर्निंग पर शेयर में भी आपको लगातार फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में 43-28 देखने को मिला है, बढ़ के एक बार के लिए 275 हो जाता है, फिर 784 और अल्टीमेटली ये 70.52 रुपया हो जाता है। इसके डिविडेंड में भी आपको फ्लक्चुएशन होता हुआ दिखेगा। स्टार्टिंग में लगातार कुछ सालों तक 35-32 या 30% के रेंज में बना हुआ है, बीच में ये निगेटिव 0% हो रहा है और फाइनली मार्च 2020 के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से इस कंपनी ने जबरदस्त डिविडेंड दिया है और इसका परसेंटेज 143% है। एचईजी लिमिटेड का ओवरऑल पिछले 10 सालों का परफॉर्मेंस देखें तो इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल में 36% बढ़ा है, 1 साल में यहां पर नेगेटिव 60% दिख रहा है, 5 साल में 12% और 10 साल में 7%। 10 साल का डेटा यहां पर सेटिस्फैक्टरी नहीं है, लेकिन 3 साल या 5 साल का डेटा देखें तो कह सकते हैं इस कंपनी ने सेल्स ग्रोथ में ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ आपका पिछले 1 सालों में निगेटिव 141% हो गया है, यानी इस कंपनी ने पिछले 1 साल में लॉस बुक किया है। 3 साल में 24% यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है, जबकि 5 साल या 10 साल का डेटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर पर नजर डाला जाए तो पिछले 1 साल में ये शेयर मल्टीबैगर बन चुका है, क्योंकि इसने 323% का रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टर्स को अब तक। और जैसा कि हमने देखा, मात्र 1 सप्ताह में इसके शेयर प्राइस में करीब 47% का ग्रोथ देखने को मिला है। 3 साल के परफॉर्मेंस के बेसिस पर जरूर इस कंपनी ने निराश किया अपने इन्वेस्टर्स को, क्योंकि ये निगेटिव 10% है। 5 साल के डेटा के हिसाब से बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए 71% का रिटर्न दिया है, जबकि 10 साल के डेटा के हिसाब से ये 24% का रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टर्स को। ओवरऑल स्टॉक प्राइस सीएजीआर में ये कंपनी पिछले 3 साल में खराब परफॉर्मेंस दी है, बाकी अगर डेटा देखें तो ये शेयर मल्टीबैगर साबित हुआ है पिछले 10 सालों में अपने परफॉर्मेंस के बेस पर। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका अच्छा नजर आ रहा है, 10 साल में 32%, 5 साल में 41% जबकि 3 साल में 52% है। बैलेंस शीट को देखें तो इस कंपनी के रिजर्व में लगातार इंप्रूवमेंट दिख रहा है। मार्च 2010 में 790 करोड़, यहाँ पे आप लगातार इंप्रूवमेंट देख सकते हैं और मार्च 2020 आते आते इसका रिजर्व 3,473 करोड़ हो गया है। एचईजी लिमिटेड पर कुछ कर्ज भी है, 731 करोड़ जो मार्च 2010 में था और ये लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है मार्च 2013 के एनुअल रिपोर्ट तक, क्योंकि ये 1,396 करोड़ हो गया है। वहां से ये कंपनी अपने कर्ज को कम करती हुई दिख रही है और उसका इम्पैक्ट फाइनली आपको मार्च 2020 के एनुअल रिपोर्ट में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले 8 साल में इस कंपनी ने अपने कर्ज को 1,400 करोड़ से कम करके 594 करोड़ तक पहुंचा दिया है, यानी कंपनी ने अपने कर्ज को करीब 800 करोड़ रुपया का रीपेमेंट कर दिया है। रेशियोज में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज एक मेजर पार्ट होता है। मैक्सिमम ईयर्स अगर आप देखें तो या तो ये बिलो एवरेज या एवरेज परफॉर्मेंस करते हुए कंपनी दिख रही है। बीच के पीरियड के और मार्च 2018 के एनुअल रिपोर्ट और मार्च 2019 के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से इसने जबरदस्त आरओसी दिया है, क्योंकि ये 86% और 137% दिख रहा है, बाकी 11%, 6%, 3% या 1% है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग मार्च 2018 से लेकर दिसंबर 2020 के बीच में ऑलमोस्ट कांस्टेंट बना हुआ है, क्योंकि ये 61% से घट के 59.62% पहुंचा है। FIs की होल्डिंग इस पीरियड में 4% से बढ़ के करीब 7% हो गया है। DIs की होल्डिंग यहाँ पर कम होती हुई दिखेगी, क्योंकि ये 11.78% से कम होके 7.35% हो गया है। पब्लिक की होल्डिंग में भी आपको मामूली बढ़त दिखेगी, ये 23.22% से बढ़ के 26.06% हो गया है। इस कंपनी का प्रॉस में लंबा लिस्ट दिख रहा है। इस कंपनी ने अपने कर्ज को काफी कम किया है, जिसकी वजह से ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री होती हुई दिख रही है। पिछले 3 सालों में इस कंपनी का आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छा नजर आ रहा है और ये 51.52% है। पिछले कुछ सालों में इस कंपनी ने अच्छा डिविडेंड भी दिया है, डिविडेंड पे आउट का परसेंटेज ऑन एवरेज 60.66% है। कंपनी का डेटर डेज भी इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये 87.63 डेज से घट के 67.97 दिख रहा है। फिलहाल इस कंपनी का एकमात्र ड्रॉबैक दिख रहा है, कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है। एचईजी लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखें तो हर तरफ आपको ग्रीन सिग्नल दिखेगा। इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस 2100 रुपया को पार तो कर चुका है, लेकिन फिर भी ये अपने स्वाभाविक वैल्यू से कम दिख रहा है, इसलिए इंटरेस्टिंग वैल्यू इसका ग्रीन जोन में है। पिछले कुछ सालों में इस शेयर ने जबरदस्त रिटर्न दिया है, इसलिए रिटर्न्स वर्सेस एवरेज रेट्स भी आपको ग्रीन जोन में दिखेगा।
ये कंपनी पिछले कुछ सालों में ठीक ठाक डिविडेंड दी है, इसलिए डिविडेंड रिटर्न्स भी ग्रीन सिग्नल दे रहा है। फिलहाल ये ओवरबॉट जोन में नहीं पहुंचा है। जैसे कि हमने देखा, इस शेयर में जबरदस्त ट्रेडिंग तो दिख रही है, लेकिन डिलीवरी का परसेंटेज काफी कम दिख रहा है, इसलिए एंट्री पॉइंट भी इसका ग्रीन जोन में नजर आ रहा है। फिलहाल ये एएसएम या जीएसएम लिस्ट में भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी कोई रेड फ्लैग देखने को नहीं मिल रहा है। ये स्मॉल कैप से बिलोंग करने वाली कंपनी है और करेंट टाइम में इसका मार्केट कैप 7,017 करोड़ रुपए दिख रहा है। एचईजी लिमिटेड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग करके सप्लाई करती है, लेकिन जो इसका एक्चुअल बिजनेस है इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग करके सप्लाई करना। एमएस रड, एमएस प्लेट, एमएस एंगल, ये कुछ मटेरियल्स हैं जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में यूज होता है और उसका कटिंग करने के लिए जो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होता है वही प्रोडक्ट ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अपने सेक्टर में ये कंपनी मोनोपोली तो नहीं रखती है, लेकिन मार्केट लीडर जरूर है। फोरकास्ट में एनालिस्ट का ओपिनियन यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, क्योंकि मात्र एक एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है और उसने इस शेयर को बाय का रिकमेंडेशन दिया है। पिछले 20 सालों में इस शेयर ने करीब 10,176% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को। इस पीरियड में इसके लोएस्ट शेयर प्राइस 20.20 रुपए रहा है, जबकि इसने 49.55 रुपए का हाई बनाया है। दोस्तों ये तो रहा है एचईजी लिमिटेड का पिछले कुछ सालों या महीनों का परफॉर्मेंस। अब बात किया जाए पिछले कुछ दिनों में इसके शेयर प्राइस में इतना ज्यादा मूवमेंट क्यों देखने को मिल रहा है, तो जैसा कि हम देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में मटेरियल सप्लाई करने वाली मैक्सिमम कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और पिछले 3-4 महीनों में मैक्सिमम शेयर्स का प्राइस डबल या इससे ज्यादा हो चुका है। कुछ कंपनी के शेयर्स ने तो अपने लाइफ टाइम हाई को भी क्रॉस करके एक नया लेवल बनाया है, जबकि एचईजी लिमिटेड का परफॉर्मेंस देखें तो अभी भी ये अपने लाइफ टाइम हाई 49.55 रुपए से काफी नीचे चल रहा है। इसलिए शायद मुझे ये एक फैक्टर नजर आ रहा है जिसकी वजह से इसके शेयर प्राइस में इतना ज्यादा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अगर दूसरे फैक्टर्स को समझने की कोशिश किया जाए, जैसा कि हमने देखा इसमें कोई ब्लॉक या बल्क डील तो नहीं हो रहा है, लेकिन इस शेयर का ट्रेडिंग वॉल्यूम काफी ज्यादा निकल कर आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है इसके शेयर प्राइस में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। आप खुद भी इस चीज को इवेलुएट करके देख सकते हैं। अगर किसी कंपनी का शेयर क्वांटिटी बहुत ज्यादा ट्रेड होता है तो हाई की तरफ ही भागता है। अब बात किया जाए क्या एचईजी लिमिटेड के शेयर को करंट मार्केट प्राइस पर खरीदना चाहिए। मेरे हिसाब से ये शेयर ओवर वैल्यूड जोन में पहुंचता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसका पीई रेशियो अचानक से बढ़ के 130 के आसपास पहुंच चुका है। हो सकता है इसमें 1-2 दिन या 3 दिन और अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिले, लेकिन उसके बाद अगर प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में ज्यादा सेल ऑफ आता है इसमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। दूसरा फैक्टर जो फिलहाल निगेटिव नजर आ रहा है, कोरोना केसेस बढ़ने की वजह से एक लॉकडाउन का माहौल बन रहा है। हालांकि 100% फिर से लॉकडाउन होगा इसकी संभावना ना के बराबर है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम मुझे लगता है एक बार फिर से हैम्पर हो सकता है और इस कंपनी का बिजनेस भी उसकी वजह से इंपैक्ट होता हुआ दिखेगा, यानी इस कंपनी का सेल्स कम हो सकता है, इसका प्रॉफिट कम हो सकता है, जिसकी वजह से इसके शेयर प्राइस पर भी इफेक्ट आ सकता है। हालांकि जब तक मेटल में तेजी बनी रहेगी इसका शेयर प्राइस भी ऊपर की तरफ ही जाएगा। ओवरऑल चीजों को समझते हुए अगर कंक्लूड किया जाए, मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं इस शेयर में आप एसआईपी कर सकते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए फिलहाल सिचुएशन फेवरेबल मुझे नजर नहीं आ रहा है। ये एसआईपी आपका वीकली या मंथली बेसिस पर हो सकता है, क्योंकि अगर इसके शेयर प्राइस में फॉल भी देखने को मिलेगा और आप एसआईपी के माध्यम से इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका प्राइस एवरेज होता हुआ जाएगा। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इस शेयर का प्राइस जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाता है आप अपना स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ करते जाए, लेकिन अगर इसमें डाउनवर्ड का मूवमेंट होता है वहां पर आप रिस्ट्रिक्ट हो जाए कि इसके नीचे अगर इसके शेयर का प्राइस जाता है वहां पर मुझे सेल करके निकल जाना है। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। फिर भी मैं कहना चाहूंगा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आया तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में शेयर करना ना भूलें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।